आस्क क्रिक बज में एक सवाल आया है, आएगा हमारे स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं क्या है भाई। कह रहे हैं वीरू सर, मनोज सर, शुड विराट लूज हिज आरसीबी कैप्टेंसी। अरे यार क्या पूछ रहे हो भाई, कह रहे हैं कि कप्तान से उन्हें बेदखल कर देना चाहिए क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं है। ये है हैशटैग आस्क क्रिक बज लाइव पर, कह रहे हैं कि ओवर द इयर्स मतलब ये टीम कभी आगे नहीं पहुंची है। क्या कहेंगे आप दोनों? मनोज आप शुरू करते हैं। नहीं देखिए, सबसे पहले तो ये देखना है कि आपके पास विकल्प क्या है आरसीबी दल में, और इसके अलावा बाहर मतलब और बाहर जो आईपीएल नहीं खेल रहे हैं वहां पे कोई ऐसा प्लेयर है जो कप्तानी कर सकते हैं इस दल के, जिनको आउट ऑफ द वे जाके आप ऑक्शन टेबल पे लो और विराट को बैठा दो। देखिए मुझे नहीं लगता कि विराट को कैप्टेंसी से निकालेंगे, और क्योंकि वो एक ब्रांड है। ऑब्वियसली इनके ओनर भी इस आईपीएल के पहले ये घोषणा कर दिया था कि विराट को वो लोग कैप्टन के अलावा नहीं देखते हैं, तो उसके वजह से आप क्लियर कट मैसेज उनके तरफ से आया हुआ है। और भारतीय टीम के कप्तान है अभी करंट कैप्टन, तो ऑब्वियसली उनको निकालेंगे भी नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, मतलब प्लेयर्स और अच्छे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ओवरसीज प्लेयर्स और भी अच्छे चुन सकते हैं, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स अगर आप देखें उन लोगों ने लिया है मतलब क्रूशियल मोमेंट्स पे कंसिस्टेंटली मैच नहीं जीता है। आप अगर फिंच की बात ले लें, बहुत वर्ल्ड क्लास प्लेयर है लेकिन परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। आज जैसे 3 नंबर उनको खिलाया गया था, तो यही बैटिंग ऑर्डर अगर आप 2-3 मैच पहले से करते ना तो एक सेटल होने का टाइम मिल सकता था। ये सब चीजें, और जॉश फिलिपे को भी इस साल उन्होंने लिया है लेकिन कर नहीं पाए। मोइन अली जो अक्सर देखा जाता है कि 2-3 ही मैच खेलते हैं, अगर अच्छा क्वालिटी प्लेयर हो, अगर उसके ऊपर विश्वास हो, तो आप कम से कम 8-9 मैच तो खिलाते ही खिलाते हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ी कमी लग रही है ओवरसीज के प्लेयर्स में, और एक जेन्युइन फास्ट बॉलर जैसे मॉरिस मिला है इस साल, और एक बॉलर इनको चाहिए जो सैनी, सिराज, उमेश के साथ आके योगदान दे, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉलिंग बहुत समय लेट डाउन कर देती है, क्योंकि क्रूशियल सिचुएशन पे आप एग्जीक्यूशन अगर देखें वो नहीं हो पाती। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज पे विराट को ध्यान दे के आगे बढ़ना चाहिए, इसके अलावा विकल्प नहीं, अगर विकल्प रहते तो फिर बात कर सकते थे। भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, वीरू पाजी से भी जानेंगे। वीरू पाजी ये भी कि इसके साथ साथ ये एक बैंगलोर की स्ट्रेटजी रही है शुरुआत से ही कि भाई 2-3 बड़े सुपरस्टार खिलाड़ी इस टीम के अंदर खेले, बाकी की पूरी टीम जो है उनके इर्द गिर्द चले, और कभी गेल आए थे, कभी कुछ और युवराज सिंह आए थे, पर ये जो एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, ये हेल्म ऑफ द ऑर्डर है इस साल पर्टिकल को देखा आगे आते हुए। विराट कोहली की कप्तानी का सवाल तो है ही, पर कुछ ओवरऑल आपको लगता है कि इस बैंगलोर की टीम को अपने बारे में बदलना पड़ेगा, क्योंकि पहुंचे भी प्लेऑफ के अंदर तो थोड़ा रगड़ते फिसलते पहुंचे यहां पर, और जिस तरीके की ओवरऑल परफॉर्मेंस लग रही थी लगता नहीं था कि मतलब ये बड़ी टीमों को वैसा मुकाबला दे पाएगी। देखिए कप्तान उतना ही अच्छा होता है जितनी उसकी टीम जी, और यही कप्तान जब इंडियन टीम के लिए कप्तानी करते हैं विराट कोहली, तब रिजल्ट्स अलग होते हैं, तब वो सीरीज जीतते हैं, तब वो मैचेस जीतते हैं, वनडे T20 टेस्ट मैचेस जीतते हैं। लेकिन जब ये आरसीबी के लिए करते हैं तब शायद इनकी टीम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती, तो ये जीतते नहीं है। तो कप्तान के पास अच्छी टीम होना बहुत जरूरी है। तो ये मैं कहूँगा कि कप्तान को बदलने के इरादे में ना सोचें, ये सोचें कि हम लोग इस टीम में और बेहतर कैसे कर सकते हैं, या इस टीम में और किन खिलाड़ियों को ऐड करें ताकि ये टीम बेहतर हो जाए, बेहतर परफॉर्मेंस देने लगे, क्योंकि हर एक टीम के पास ना एक सेटल बैटिंग ऑर्डर है, लेकिन बैंगलोर के पास वो कभी सेटल बैटिंग ऑर्डर नहीं रहा, वो सिर्फ विराट और एबीडी रहे, ऊपर नीचे चेंज होते रहते हैं, बट ये दोनों के इर्द गिर्द ही टीम रहती है। तो मेरे ख्याल से वो अब एक पर्टिकल आ गए हैं कि एक ओपनर आ गए, तो उन्हें शायद एक ओपनर और चाहिए और एक लोअर मिडल ऑर्डर बैट्समैन और चाहिए। तो ये 3 बैट्समैन अगर टोटल हैं और 2 विराट कोहली, तो 5 बैट्समैन बहुत हो जाएंगे आपको मैचेस जिताने के लिए। उसी तरीके से आपके पास गेंदबाज, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने इंडियन फास्ट बॉलरों पर। पिटाई सबकी होती है, ऐसा नहीं क्रिस मॉरिस पिटे नहीं है या रबाड़ा नहीं है या वो, बट अगर उनको आप ज्यादा मौके दोगे, ये समझोगे कि भाई मेरा उमेश यादव नई गेंद डाल सकता है या बीच में डाल सकता है, तो मैं उसे वहीं कराऊं, स्लॉग में ना कराऊं। डेथ ओवर्स में कौन सा बॉलर है जो मेरे लिए कर सकता है, हो सकता है शायद कभी कभी आप युजवेंद्र चहल को डेथ में, मेरे ख्याल से वो बेटर स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, रादर देन आप ये सोचो कि हम कप्तान बदल दें या हम टीम के और दूसरे प्लेयर ले आए। जो भी ऑक्शन में प्लेयर अवेलेबल थे वो उन्होंने खरीदे, अच्छे प्राइस देकर खरीदे, लेकिन उसके बाद उनको खिलाना, वो कॉम्बिनेशन बनाना, परफॉर्मेंस लेना भी तो एक आर्ट है जो कि कप्तान को आनी चाहिए।